सब्सक्राइब कीजिए हरिदन नर्सिंग गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिदन नर्सिंग गुरु में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी ऑर्थराइटिस के कारणों के बारे में और ऑर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है उसके बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और उसकी जांचों के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को ऑर्थराइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का किस प्रकार का ट्रीटमेंट चलता है, यानी कि उस व्यक्ति को मेडिकेशन लेनी होती है या उसकी सर्जरी करवानी होती है, और साथ ही मेडिकेशन और सर्जरी के अलावा उसकी लाइफ स्टाइल में किस प्रकार के चेंजेस करने होते हैं, साथ ही हम बताएंगे एक्सरसाइज के बारे में भी। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकेशन यानी कि दवाइयों के बारे में, यानी कि ऑर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार की मेडिसिन लेनी होती है। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि NSAIDs। यह मेडिसिन व्यक्ति के जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करती है, और इसका एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। यह मेडिसिन अगर मुंह के द्वारा ली जाती है तो पेट में जलन एवं दर्द होने लगता है, साथ ही हार्ट अटैक एवं ब्रेन हेमरेज की रिस्क भी बढ़ जाती है। और कुछ NSAID क्रीम और जेल फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं जिसको जॉइंट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगली मेडिसिन आती है पेनकिलर्स। यह मेडिसिन दर्द को दूर करने में कारगर साबित होती है, लेकिन यह सूजन को कम नहीं कर पाती हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिटामिनोफेन। अगर जोड़ों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो उस अवस्था में ओपियोइड मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि ट्रामाडोल और ऑक्सीकोडोन। यह मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके दर्द को दूर करती है। अगर यह दवाई लंबे समय तक ली जाए तो इसकी हैबिट बन जाती है, जिससे व्यक्ति फिजिकली और मेंटली यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से उस मेडिसिन के ऊपर निर्भर हो जाता है। नेक्स्ट आती है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, यानी कि यह मेडिसिन रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस को ट्रीट करने के काम आती है। यह मेडिसिन जॉइंट पर होने वाले इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के अटैक को या तो स्लो कर देती है या स्टॉप कर देता है, यानी कि अगर इम्यून सिस्टम अपना काम स्लो कर देगा या बंद कर देगा तो उस कंडीशन में जॉइंट पर जो अटैक हो रहा है इम्यून सिस्टम का वो नहीं हो पाएगा। तो इसका एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यह मेडिसिन प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस करती है एवं साथ ही सूजन को कम करने में भी सहायक होती हैं। यह मेडिसिन मुंह के द्वारा एवं जॉइंट में इंजेक्शन के द्वारा भी दी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है कोर्टिसोन और प्रेडनिसोन। नेक्स्ट मेडिसिन आती है काउंटर इरिटेंट्स। तो ये जो मेडिसिन होती हैं क्रीम फॉर्म में और ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जिसमें मेंथोल और कैप्सिसिन होता है जो कि हीट उत्पन्न करता है, और इस हीट की वजह से जोड़ों में जितना भी दर्द होता है वो दर्द कम हो जाता है। अगली मेडिसिन आती है बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर। यह मेडिसिन डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स के साथ में भी ली जाती हैं, और इसका एग्जाम्पल है इटानेरसेप्ट और इन्फ्लिक्सिमैम। इसके अलावा इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन 6 भी अवेलेबल होती हैं। और जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होता है, यह क्या करता है कि जो एक बीमारी की जो प्रोसेस होती है जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, तो उस बीमारी के उत्पन्न होने वाले मैकेनिज्म को ये
क्या करता है, स्लो कर देता है या ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वो बीमारी ज़्यादा सीवियर नहीं हो पाती है और वो बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब हम बात करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित रहता है तो वो मेडिसिन लेता है। मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आर्थराइटिस की समस्या दूर नहीं होती है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को सर्जरी करवानी पड़ सकती है। सबसे फर्स्ट सर्जरी आती है जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो इस प्रकार के प्रोसीजर में क्या होता है, जो व्यक्ति का डैमेज जॉइंट से उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह आर्टिफिशियल जॉइंट्स को लगा दिया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और जो मोस्ट कॉमन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है वह हिप जॉइंट्स की और नी जॉइंट्स की होती है, यानी कि हमारे जो कुल्ले की हड्डी होती है उसके जॉइंट्स की और घुटने की जो जॉइंट्स होती हैं उसकी सर्जरी की जाती हैं। नेक्स्ट आता है जॉइंट रिपेयर। तो इस प्रकार के प्रोसीजर में जॉइंट में छोटा सा कट लगा के आर्थ्रोस्कोप के द्वारा यह सर्जरी की जाती है। इस प्रकार के प्रोसीजर में जॉइंट की सरफेस जो होती है उस सरफेस को स्मूथ और री अलाइनमेंट कर दिया जाता है, यानी कि जॉइंट की जो सरफेस होगी वहाँ पर कोई सा स्मूथ सा जो चीज़ होती है वहाँ पर वो लगा दी जाती है, ताकि जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में उसमें फ्रिक्शन ना हो, बोन के अंदर फ्रिक्शन ना हो, तो उसको स्मूथ बना दिया जाता है, उसका री अलाइनमेंट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर दर्द कम हो सके और जॉइंट में अच्छा मूवमेंट हो सके। नेक्स्ट सर्जरी आती है जॉइंट फ्यूज़न। तो इस प्रकार का जो प्रोसीजर होता है, जो सर्जरी होती है, यह छोटे छोटे जॉइंट्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि जो हमारी कलाई की जॉइंट्स हो गई या एड़ी के जॉइंट्स हो गए या अंगुलियों के जॉइंट्स हो गए, तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें इस प्रकार की सर्जरी की जाती है। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, जो दो हड्डियां होती है जहां पर जॉइंट्स बनता है, तो उन दोनों हड्डियों के अंतिम वाले भाग को रिमूव कर दिया जाता है और दोनों हड्डियों को आपस में किसी चीज़ के द्वारा लॉक कर दिया जाता है। और ये हड्डियां जब तक लॉक की जाती है जब तक कि दोनों हड्डियां आपस में जुड़ नहीं जाती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है थेरेपी, यानी कि जो भी व्यक्ति आर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित हैं वो व्यक्ति फिज़िकल थेरेपी के द्वारा इस समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकते हैं। तो कुछ आर्थराइटिस में शारीरिक व्यायाम यानी कि फिज़िकल थेरेपी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इस प्रकार की एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और हाथ पैरों में मूवमेंट होने लगता है, यानी कि जो आपके हाथ पैरों का जो मूवमेंट है उसमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आने लगता है। अब हम थेरेपी के बाद में बात करेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में, यानी कि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके या परिवर्तन लाके आप आर्थराइटिस की समस्या को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है वेट लॉस, यानी कि अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो आप अपना वेट थोड़ा सा कम कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हैं उनका पूरा वज़न उनके जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है और जॉइंट्स के ऊपर पड़ने की वजह से आर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर आप अपना वेट कम करेंगे तो उसकी वजह से आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा, आपके जॉइंट में अच्छा मूवमेंट होगा और साथ ही जॉइंट में किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। सेकंड आता है एक्सरसाइज। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होगी, आपके जॉइंट फ्लेक्सिबल होंगे, यानी कि जॉइंट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक्सरसाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वाटर एरोबिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होती है उसकी वजह से आपके जॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि जिस भी व्यक्ति को जॉइंट में समस्या है तो उन व्यक्ति को असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए, जो कि उनके जॉइंट्स को आराम पहुँचाती हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस को कम करती हैं, जैसे कि केन का यूज़ कर सकते हैं, वॉकर का यूज़ कर सकते हैं, और जो टॉयलेट सीट्स होती हैं वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होना चाहिए,
ठीक है। उसके अलावा और भी अदर डिवाइसेस आती हैं जो आपके जॉइंट के ऊपर प्रेशर कम करती हैं, और जब भी आप काम करते हैं तो काम करते समय जो आपका जॉइंट्स का जो मोमेंट होगा वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगता है। अगला आता है हीट एंड कोल्ड, यानी कि जो भी व्यक्ति आर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित हैं तो उनके जॉइंट्स में सूजन और दर्द देखने को मिलती है। तो सूजन और दर्द को कम करने के लिए हीट अप्लाई कर सकते हैं या आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हेल्दी डाइट, तो हेल्दी डाइट के द्वारा आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, और वज़न कम होगा तो आपके जॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस होगा वो थोड़ा सा कम पड़ेगा। और आपको इस प्रकार की डाइट चूज़ करना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स, और उसके अलावा फिश, नट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप डाइट में ले सकते हैं। तो ये जो डाइट होती है सूजन को कम करने में सहायक होती हैं, और साथ ही इस प्रकार के फूड आपको कम कर देना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, जिसमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइड फूड, यानी कि जो फ्राई किए हुए फूड होते हैं वो आपको नहीं लेना चाहिए, या प्रोसेस फूड जिसमें कोई किसी प्रकार का केमिकल मिला हो तो इस प्रकार के फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, या दूध वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो आप मीट लेते हैं उसका भी इस्तेमाल या तो बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार के क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।